हाय गाइस, वेलकम टू स्वाद का सार कुकिंग चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं एक मिठाई। ये मिठाई है कलाकंद की, जो बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी और बहुत स्वादिष्ट बनेगी, क्योंकि त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है और रक्षाबंधन में अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। तो आप ये मिठाई की रेसिपी जल्दी से देखें और फटाफट घर में बनाएं। आप रक्षाबंधन में ये मिठाई सबको खिलाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1/2 लीटर दूध। ये पैकेट वाला दूध है, इसे मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। एक बार इसमें अच्छे से उबाल आ जाए तो हम इसका फ्लेम स्लो कर देंगे और इसे स्लो आंच पे ही थोड़ी देर पकने देंगे। इस तरह से थोड़ा मलाई आ जाए ऊपर तो मिक्स करेंगे और साइड से भी हम निकालते जाएंगे इनके मलाइयों को, और इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए हमें इसे थोड़ा सा गाढ़ा होते तक पकाना है। तो इस तरह मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। देखिए थोड़ा टाइम और हो गया है, ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। ये क्वांटिटी में भी रिड्यूस होते जा रहे हैं। इस तरह साइड से निकालना ज़रूरी है, नहीं तो सारा इसका मलाई साइड में ही चिपक जाएगा। तो थोड़ा और मिक्स कर लेंगे। इसी तरह लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे इसकी क्वांटिटी हाफ होते तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। तो एक तरफ हमने पनीर भी ले लिया है। पनीर लगभग 150 ग्राम है, इसको हम कद्दूकस करके लेने वाले हैं। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पनीर अलग रख दिया है और बाकी सबको कद्दूकस कर लिया है। इसे मैंने बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है, आप चाहें तो आप छोटे वाले से भी ग्रेट कर सकते हैं। इसी से इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आएगा, देखने में भी और खाने में भी इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं हमने जो बचे हुए थोड़े से पनीर हैं उन्हें इस तरह स्क्रम्बल करके लिया है। इस तरह हाथ से स्क्रम्बल कर लेंगे। आप चाहें तो ग्रेट करने की बजाय सारे पनीर को इस तरह स्क्रम्बल भी कर सकते हैं। तो एक कटोरी लगभग है ये स्क्रम्बल वाला पनीर भी। तो हम ये दूध में अब इसे मिक्स करने वाले हैं। दूध बिल्कुल हाफ हो गया क्वांटिटी से, बहुत गाढ़ा हो गया है रबड़ी की तरह। इसमें हमने कद्दूकस किया हुआ पनीर ऐड कर दिया है और साथ ही हम इसमें स्क्रम्बल पनीर भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करने वाले हैं और फ्लेम हमने लो पे ही रखा है। लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से पकाना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। तो देख सकते हैं अच्छे से बॉईल आ गया है और ये लगभग सूख गया है। तो जिन्हें शुगर की बीमारी है या जिन्हें मीठा खाना मना होता है वो इसी तरह से इस मिठाई को खा सकते हैं, बिल्कुल शुगर फ्री, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन हम त्योहारों के लिए बना रहे हैं तो मैंने इसमें एक बड़ी कटोरी शक्कर का डाल दिया है। शक्कर डालने से ये थोड़ा सा फिर पतला हो जाएगा, तो हमें इसे फिर से सूखने तक पकाना होगा। तो इसमें भी लगभग 5 से 7 मिनट लग सकते हैं, अलग अलग गैस के फ्लेम के हिसाब से और शक्कर और दूध की क्वालिटी के हिसाब से टाइम लग सकता है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में इसे हमें कुक करना है। लो फ्लेम पे करें तो अच्छी बात है, नहीं तो नीचे से जलने का डर रहता है। तो हमने इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दिया है और उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इलायची पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल हलवाई के जैसा बनेगा ये हमारा कलाकंद। तो शक्कर की वजह से इसने थोड़ा पानी छोड़ दिया है। हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1 छोटी कटोरी दूध पाउडर। इसे फिर से ये अपने पहले वाले क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। तो हम मिल्क पाउडर अब ऐड कर देंगे अच्छे से बॉईल आने के बाद। ये 1 छोटी कटोरी मिल्क पाउडर है, इसे हम मिक्स करके अच्छे से फिर से कुक करेंगे। ये तो त्योहारों में हो गया बड़ों की पसंद की मिठाई की बात, लेकिन यदि बच्चों की बात करें तो उन्हें मिठाई की जगह चॉकलेट, आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। तो उसकी रेसिपी भी मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, रक्षाबंधन से पहले ही डाल दूँगी, तो आप ज़रूर वो रेसिपी विज़िट करें। हम ग्लॉसी इफेक्ट के लिए यहाँ पे 1 टीस्पून देसी घी का डाल रहे हैं मिठाई में। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। और गाइस, यदि आपको मेरा रेसिपी पसंद आता है, मेरा वीडियो पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल ड्राई होता जा रहा है। तब हमने एक तरफ एक थाली को देसी घी लगा के ग्रीस करके रख लिया है और जैसे ही ये होगा हम उसमें डाल देंगे। तो थोड़ा सा मैं और ड्राई करना चाह रही हूँ, आप चाहें तो इस तरह से गीला कलाकंद के जैसा भी इसे यूज़ कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ अभी। तो गाइस देखिए, ये बिल्कुल सूख गया है, ड्राई टेक्सचर हो गया है इसका, बिल्कुल मार्केट वाले कलाकंद की ही तरह। तो अब हम इसे ग्रीस किए हुए थाली में पलट लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से।
थोड़ा थोड़ा हम दबा के इसे सब तरफ से सेट कर देंगे ताकि ये अपना एक शेप ले ले। तो इस तरह से करने वाले हैं हम। आप देख सकते हैं ये सेट हो गया है। इसमें अभी हमें ड्राई फ्रूट्स भी डालना है। तो अब हम कटे हुए बादाम से इसे गार्निश करने वाले हैं। आप चाहें तो आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। इसे हम एक घंटे के लिए बाहर ठंडा होने देंगे। इसके बाद एक घंटे के लिए फ्रिज में इसे सेट होने देंगे। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। आप इसमें पनीर घर का बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं और बाहर से खरीद कर भी। दोनों में ये बहुत टेस्टी बनता है। ये बिल्कुल मार्केट वाले कलाकंद की ही तरह होता है और आप अपने घर में आँख के सामने बनाएंगे तो बाहर की मिलावटी चीज़ों से भी बच जाएंगे और खाने में बिल्कुल मार्केट की ही तरह स्वादिष्ट है। एक बार आप बनाएंगे तो आपको स्वाद भी समझ आएगा और रेसिपी भी पसंद आएगी। अभी तो त्यौहार के सीज़न शुरू हुए हैं। अभी तो बहुत सारे त्यौहार आने हैं। रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी है, फिर गणेश चतुर्थी है। तो कोई ना कोई त्यौहार में आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। मार्केट की ही तरह स्क्वायर शेप में इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से बड़ी आसानी से कट हो जाते हैं और बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। आप खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे फ्रिज में रख के 10 दिन तक भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगेगा आप सबको। तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।